नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि तालिबानियों के अंदर सरकार को लेकर दो फाड़ हक्कानी ग्रुप ने अब्दुल गनी बरादर पर चलाई गोली। जी हां, गोली मार दी है। अब्दुल गनी बरादर को मारी गोली, विवाद चरम पर हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया था, हमने आपको कल बताया था कि आखिर क्यों जो ये विवाद बढ़ रहा है, इस वजह से तालिबानी सरकार के गठन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर निकल के आई है वो उस तमाम दावे पर पुष्टि कर दी है जिसको लेकर हम दो तीन दिन से ये खबरें आपको दिखा रहे हैं कि तालिबानियों में दोस्तों अंदरूनी बहुत बड़ी फूट मच चुकी है और ये फूट अपने आप में कई संकेत और कई इशारे दे रहे हैं। और आखिरकार गोली चली गई और हक्कानी ग्रुप ने गोली चलाई है जिसके बाद अब्दुल गनी बरादर, जो कि हम कह सकते हैं कि तालिबान का चीफ है, उसको गोली मार दी है और विवाद चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा तो हो चुका है लेकिन सरकार बनाने के लिए तालिबान के अंदर भारी सिर फुटौल शुरू हो चुका है। सरकार बनाने से पहले तालिबान के अंदर अलग अलग गुटों के बीच भारी कलह शुरू हो चुकी है और अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को गोली मार दी गई है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के अंदर सरकार बनाने को लेकर कई फाड़ हो चुके हैं और अलग अलग ग्रुप्स के भीतर संघर्ष शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क के नेता हनस हक्कानी के खलील हक्कानी के साथ तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के बीच जोरदार झड़प हुई है। रिपोर्ट्स का दावा किया गया है कि हक्कानी नेटवर्क की तरफ से गोली चलाई गई है जिनमें तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर को घायल बताया जा रहा है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। तालिबान मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान के नया राष्ट्रपति बनाना चाहता है जबकि हक्कानी नेटवर्क राष्ट्रपति का पद अपने पास रखना चाहता है। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को समर्थन कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को समर्थन कर रहा है, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का नेतृत्व अब्दुल गनी बरादर चाहता है और अफगानिस्तान में जिस सरकार का निर्माण हो रहा है उसे अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को भी शामिल किया जाए। लेकिन हक्कानी नेटवर्क किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान की सत्ता में किसी को भी हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। वो पाकिस्तान का समर्थन हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान भी मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहता है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में युद्ध इस्लामिक विचारधारा के साथ सरकार बनाना चाहता है और अफगानिस्तान काफ़ी सख्त शरिया कानून लागू करना चाहता है जबकि तालिबान का कहना है कि वह शरिया कानून में रियायत देने के लिए तैयार है और वो महिलाओं को थोड़ी आज़ादी के पक्ष में है। और इसको लेकर हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच विवाद बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क्स को मुल्ला बरादर के नाम पर सख्त एतराज़ है और हक्कानी नेटवर्क से मुल्ला बरादर को पीछे हटने के लिए कहा है। हक्कानी नेटवर्क का कहना है कि काबुल को उसने जीता है और अफगानिस्तान की राजधानी पर हक्कानी नेटवर्क का नियंत्रण स्थापित है। वहीं मुल्ला याकूब अभी भी कंधार में है, लिहाजा सरकार बनाने को लेकर विवाद की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क की बात मानने से इनकार कर दिया था जिसके बाद से हक्कानी ग्रुप्स ने मुल्ला अली गनी बरादर को गोली मार दी थी। दोस्तों हमने आपको बताया था कि कैसे जो है पहले काफ़ी दिनों से पहले जो है अंकुरजादा को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात हो रही थी लेकिन अचानक बरादर को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात होने लगी जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया कि भैया अब सरकार का गठन ही नहीं होगा। और अब सरकार गठन से पहले ये जो चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आई कि अब्दुल गनी बरादर को पंशीर, खास करके पंशीर ऑब्जर्वर और NRF की रिपोर्ट्स में कहा गया कि अब्दुल गनी बरादर को गोली मार दी गई है। तालिबान और ना ही हक्कानी नेटवर्क अभी इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ICC चीफ फैज हमीद कल अचानक काबुल पहुंचे उसके बाद से ये साफ हो गया कि तालिबान के अंदर बहुत बड़ी टकराहट चल रही है। उसी दरार को भरने के लिए ISI चीफ काबुल पहुंच रहे हैं। काबुल में ISI चीफ ने एक बयान में सब कुछ ठीक होने की बात कही है जिनका मतलब ये निकाला गया है कि तालिबान में सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घायल बरादर को आनन फानन में इलाज करने के लिए पाकिस्तान भेजा गया है और उसी वजह से अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन टाल दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के महानिदेशक अभी भी काबुल में हक्कानी नेटवर्क के पक्ष में युद्धरत गुटों के बीच समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। ISI ने अतीत में काबुल में भारतीय दूतावास के निशाना बनाने और पाकिस्तान से जुड़ी दिशा में सुन्नी पश्तून बल के चलाने के लिए हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। जनरल हामिद के काबुल में होने का एक अन्य कारण पंशीर घाटी में कमांडर अमरुल्लाह सले के नेतृत्व में एंटी तालिबान फोर्सेस के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई की देख रेख करना भी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पंशीर में तालिबान को हारता देख
पाकिस्तान की सेना ने अब लड़ाई शुरू कर दी है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तालिबान की जहां चीन, रूस और पाकिस्तान को पूरी समर्थन हासिल है, वहीं पंजशीर के नेताओं को भी किसी का समर्थन नहीं है, लिहाजा पंजशीर कितने दिनों तक सुरक्षित रहेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हक्कानी नेटवर्क के साथ जो है वो तालिबानी भिड़ चुके हैं और दोनों लड़ाई गंभीर हो सकती है। हक्कानी नेटवर्क ने दोहा में बातचीत के दौरान बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने एक तरीके से साफ कहा है, उन्होंने बंदूक के दम पर काबुल जीता है और वो सरकार में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हैं। वहीं माना जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क द्वारा कंट्रोल किया गया तालिबान सरकार पाकिस्तान के पक्ष में होगा, लिहाजा पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को पूरा समर्थन दे दिया है और अब माना जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकता है, जबकि तालिबान ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात की थी। दोस्तों अब आप इस बात को समझिए, एक तरफ सॉफ्ट खास करके सॉफ्ट तालिबान जो है वो सॉफ्ट कट्टरता नहीं बरत रहा है, वो सॉफ्ट इस्लामिक की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हक्कानी ग्रुप से वो कट्टर समर्थक, कट्टर कहीं ना कहीं इस्लामिक ग्रुप है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस कट्टर और सॉफ्ट के बीच दोस्तों दुनिया में अगर बात करें तो तालिबान के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान जी वो बहुत बढ़िया संगठन हो चुका है इस समय, वो शरिया में रियायतें भी देना चाहता है और वो दूसरे देशों पर हिंसा की चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं करता और महिलाओं को भी रियायत देना चाहता है और तालिबान जो है इतना ज़्यादा बर्बर नहीं है, ये तालिबान का तालिबान ग्रुप दिखाना चाहता है। जबकि हक्कानी ग्रुप को साथ में जोड़ रखा है, वो एक तरीके से बर्बर और कट्टर संगठन है, वो कड़े शरिया लॉ को फॉलो कराना चाहता है और इसके साथ ही वो भारत के खिलाफ भी है। तो पाकिस्तान की जो ये रणनीति है ISI की, वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से काफ़ी ख़तरनाक मानसा है। उसका जो पाकिस्तान का जो एक तरीके से सिस्टम है, वो चाहता है कि हम भारत के खिलाफ हमेशा तालिबानियों और हक्कानी ग्रुपों का यूज करते रहें, इस रणनीति के साथ वो काम कर रहा है। जबकि तालिबान ने कहा था कि फ़िलहाल हम मुस्लिमों को लेकर कोई आपत्ति होगी तो भले बोले, वरना कश्मीर और चीन जैसे विवाद को हम अफगानिस्तान के धरती पर उठने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को डर लगने लगा कि आखिर जिस तालिबान को हमने यहाँ तक पहुँचाया, क्या पता आगे चल के वो कश्मीर जैसे मुद्दे को भूल ना जाए, इसलिए हक्कानी ग्रुप को वो आगे करना चाहता है। और हक्कानी ग्रुप वो नेटवर्क है जो अभी तक कई बार कश्मीर पर हमला कर चुका है और हक्कानी नेटवर्क का सीधा सीधा नाम जो है कश्मीर हमले पर आ चुका है। तालिबान अभी एक बार भी कश्मीर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है, जबकि हक्कानी ग्रुप की बात करें तो हक्कानी नेटवर्क जो है वो इससे पहले भी कश्मीर में भी एंट्री कर चुका है और पाकिस्तान के जो ऐसे संगठन हैं, आतंकी ग्रुप चलाते हैं, उसने बड़े पैमाने पर यूज भी कर चुके हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप